हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाला घंटा को भी दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों आज हम लोग साइंस का 26 प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपसे 26 प्रश्न पूछूंगा और आपको प्रत्येक प्रश्न में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको वीडियो के लास्ट में 26 में कितना सही गया आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखना है। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चालक के विद्युत प्रतिरोध को बदलने वाले कारक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चालक का आकार, चालक का तापमान और चालक का ज्यामिति पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 2 में है, 50 न्यूटन का बल एक वस्तु को चलाता है तो क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट होगा। वस्तु का लगाया गया घर्षण बल 50 न्यूटन से कम होता है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 3 में है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण नियम रॉकेट से काम करता है। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण नियम रॉकेट में काम करता है। द्रव्यमान, ऊर्जा, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग। वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रैखिक संवेग। प्रश्न संख्या 4 है। 4 में है, एक सतह में आयामों की संख्या क्या होती है। एक होती है, 2 होती है, 3 होती है, 0 होती है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 2 होती है। प्रश्न संख्या 5 है। 5 में है, इंद्रधनुष की घटना खाली स्थान को छोड़कर प्रकाश के निम्नलिखित सभी गुणों को संयुक्त प्रभाव के कारण है। किसका कारण है। वेरी गुड ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ध्रुवन। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। 6 में है, इनमें से कौन सा जड़त्व अघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल है। जड़त और कोणीय वेग का गुणनफल कौन है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोणीय गति। प्रश्न संख्या 7 है, मोटे लेंस बर्न विचलन क्यों दर्शाते हैं। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के विक्षेपण के कारण दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, समान द्रव्यमान वाले एक फुटबॉल और एक पत्थर में क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों में समान जड़त्व होता है। प्रश्न संख्या 9 है, स्रोत और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग खाली स्थान के बराबर होनी चाहिए ताकि एक प्रतिध्वनि सुनी जा सके। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 17 मीटर। प्रश्न संख्या 10 है, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है कौन सा कथन असत्य है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन प्रतिक्रिया सौर विकिरण के लिए जिम्मेदार होता है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। 11 में है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या क्या है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयुक्त ईंधन का सुरक्षित रूप से निपटान। प्रश्न संख्या 12 है, स्रोत द्वारा एक ध्वनि की उत्पत्ति के बंद करने के बाद भी आसपास के वस्तुओं द्वारा ध्वनि के लगातार परावर्तन के कारण श्रव ध्वनि की दृढ़ता को खाली स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, जब कोई प्रकाश बीम प्रिज्म के माध्यम से गुजरती है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक विक्षेपित होता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग अधिक विक्षेपित होता है।
प्रश्न संख्या 14 है, बल को किस आधार पर परिभाषित किया जा सकता है? बिल्कुल सही जवाब, न्यूटन का गति का प्रथम नियम द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 15, वायु गैस के मुख्य घटक क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, एक वस्तु की तापीय ऊर्जा क्या होती है? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा होती है। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, बिल्ली मानव या किसी अन्य जानवर की तुलना में ऊंचाई से गिरने से बच सकती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बिल्ली, आपके पास चार ऑप्शन है, किस लिए बिल्ली बच जाती है? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, 18 में मृग तृष्णा की घटना का कारण क्या है? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताप मान में परिवर्तन के साथ वायु अपवर्तन सूचकांक में परिवर्तन। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, 19 में है, आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव क्या होती है? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, स्थिर रहता है। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा के रूप में संग्रहित किया जा सकता है? गुप्त ऊष्मा के रूप में संग्रहित किसको किया जा सकता है? अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका बिल्कुल सही जवाब है, तापीय ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है। प्रश्न ऐसा है, अपनी फोकस लंबाई को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की नेत्र की क्षमता को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी नेत्र का समायोजन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, किसी भी गैस में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, गैस के घनत्व और प्रत्यास्थ पर। प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे, ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? बिल्कुल सही जवाब इसका होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माध्यम का तापमान पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, 24 में है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह प्रतिपादित करता है कि जब एक विद्युत धारा चालक तार में से गुजरती है तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है? बिल्कुल सही जवाब इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, स्ट्रेट का नियम का प्रयोग करता है। प्रश्न संख्या 25 सेकंड लास्ट देखेंगे, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई यू किसके बराबर होता है? बिल्कुल सही जवाब, अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल सही जवाब है, ऊर्जा के लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, आकाश का रंग नीला क्यों है? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, धूल कणों द्वारा प्रकाश का परिकरण के कारण नीला दिखाई देता है आकाश। ये प्रश्न आपके लिए है, Ml2T-2 खाली स्थान का आयाम है, किसका आयाम है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना होगा, देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।